दोस्तों आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको कुछ बेहद खतरनाक सड़कें जरूर देखने को मिलेंगी। लेकिन आज मैं जिन सड़कों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वो दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें हैं। और इन खतरनाक सड़कों पर ड्राइविंग करना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इन पर ड्राइविंग करने के लिए मौत से खेलना पड़ता है। तो दोस्तों तैयार रहिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे दुनिया की 7 सबसे खतरनाक सड़कों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साइबेरियन रोड रसिया। दोस्तों रसिया की इस रोड को दुनिया की सबसे ठंडी सड़क का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस सड़क के चारों तरफ जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल बर्फबारी होती रहती है और टेम्परेचर लगभग -50 डिग्री के आसपास हमेशा बना रहता है। और दोस्तों अगर यहाँ पर आपकी गाड़ी बंद हो जाए तो जल्दी स्टार्ट नहीं होती, इसलिए लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ हमेशा चालू ही रखते हैं। और कहीं गलती से आपने अपनी गाड़ी रात भर ऐसे ही खुले आसमान के नीचे छोड़ दी तो सुबह आपको बर्फ से ढकी हुई नजर आएगी। दोस्तों इतने ठंडे स्थान पर सरवाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए इस जगह को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। गोलेंग टनल रोड चाइना। दोस्तों ये टनल रोड चीन में है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक सुरंगों में से एक है। तहांग पहाड़ियों के बीच से तोड़कर बनाई गई इस गोलेंग टनल का निर्माण 1972 में किया गया था। इससे पहले इस पर सिर्फ पैदल चलने की ही गुंजाइश थी, और ये रास्ता हुइक्सियान, जिनजियांग और हेनान प्रांतों के गांवों को जोड़ता था। एक क्षेत्रों में जाने के लिए यहाँ के लोगों को करीब 720 खड़ी पहाड़ियों पर बने रास्तों को पार करना होता था। रास्ते के बीच बीच में बनी सीढ़ियाँ बेहद खतरनाक, वो बहुत खड़ी, सकरी और बिना रेलिंग की थी। इन परेशानियों को देखते हुए गांव लोगों ने पहाड़ियों में टनल खोदने का फैसला किया। गांव के मुखिया ने अपनी बकरियां और दवाइयां बेचकर हथौड़ा और बाकी औजार खरीदे। 13 लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और 1200 मीटर लंबी टनल को खोदने में 5 साल लगे। ये टनल 5 मीटर ऊंची और 4 मीटर चौड़ी थी। इस टनल के निर्माण में 12 टन की ड्रिल रॉड और 4000 हथौड़ों का इस्तेमाल हुआ था। 1 मई 1977 को ये टनल खोला गया। यहाँ टनल की दीवार में 30 अलग अलग आकार की खिड़कियाँ हैं, जो चीन में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। टरोको जॉर्ज रोड ताइवान। जब सबसे खतरनाक रोड की बात हो रही हो तो टरोको जॉर्ज रोड उस लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह भी खतरनाक होने में किसी और से कम नहीं है। इस रोड पर ड्राइविंग करना बहुत ही एडवेंचरस है, और जहाँ एडवेंचर हो वहाँ खतरा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों पहाड़ों से घिरा ये रोड इसके सकरे मोड़ की वजह से और भी खतरनाक हो जाता है। इसका सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब गाड़ियाँ एक खोदे गए चट्टान के नीचे से गुजरती है। इसके नीचे खड़े लोगों को हमेशा ये महसूस होता है कि ये चट्टान गिरने वाली है। इस रास्ते पर कई जगह ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर दूसरी गाड़ी की दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं। अटलांटिक ओशियन रोड नॉर्वे। दोस्तों ये अटलांटिक ओशियन रोड दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से गिना जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस रोड के दोनों तरफ समंदर है, और समंदर से उड़ती तेज लहरें इस सड़क को भीगा दे रही हैं। दोस्तों नॉर्वे में समुद्र के ऊपर बना लगभग 8.5 किलोमीटर का ये खतरनाक रोड 7 जुलाई 1989 को चालू किया गया था, जो कि रोड ट्रिप के लिए बेस्ट जगह है, लेकिन यहाँ हर कदम पर खतरा मौजूद है। इसीलिए अगर आप अनुभवी ड्राइवर हैं तब भी यहाँ ड्राइविंग करें, नहीं तो आपकी ये छोटी सी गलती आपको मौत के घाट उतार सकती है। अगर आपकी कार ब्रिज से बाहर गई तो समझो आप कार के साथ समुद्र की गहराइयों में नजर आओगे। पसुमियो रोड इटली। इटली की ये सबसे खतरनाक सड़क पसुबियो एक बहुत ही प्राचीन सड़क है। पसुबियो रोड आल्पस के सबसे अविश्वसनीय दृश्यों और 52 हाथ नक्काशीदार सुरंगों के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिनका दृश्य आप रास्ते में सफर के दौरान देख सकते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक इस सड़क को सरकार ने कई मौकों पर बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये एक एडवेंचरस सफर होने के नाते यहाँ लोग बहुत पहुँच ही जाते हैं। इस रोड पर ड्राइविंग करने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। यदि ड्राइवर जरा भी लापरवाही करता है
तो समझो दुर्घटना घटी। और यहाँ बेतुके ढंग से मोटरसाइकिल चलाने वाले इसे और भी खतरनाक बना देते हैं। स्कीपर्स कैनियन रोड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के स्कीपर्स कैनियन रोड दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के बिना ड्राइविंग ना ही करें तो बेहतर है। दरअसल इस सड़क पर हर वो खतरा मौजूद है जो जानलेवा हो सकता है। ये सड़क बहुत ही ज्यादा सक्रिय है, जिसे ये सड़क और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहीं पर भी अंधे मोड़ है तो कहीं पर गहरी खाई। ऐसे में कोई मामूली एक्सीडेंट से भी बुरी तरह से घायल हो सकता है। इस रोड पर कदम कदम पर खतरा है और ये रोड इतनी सकरी है कि इस पर दो गाड़ियां एक साथ नहीं जा सकती। ऐसे में किसी एक को अपनी गाड़ी साइड में करना होता है ताकि दूसरी गाड़ी गुजर सके। ऐसी हालत में एक्सीडेंट के चांसेज और भी बढ़ जाते हैं। जेम्स डाल्टन हाईवे, अलास्का। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है यूएसए का ये जेम्स डाल्टन हाईवे रोड। इस सड़क पर मौसम की मार बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ियां फिसलती हैं और गाड़ियों के फिसलने से एक्सीडेंट भी होते हैं। 414 मील लंबे इस हाईवे के आसपास सिर्फ और सिर्फ बर्फ मौजूद है। यहां तेज हवाएं और छोटी छोटी चट्टाने आपके वाहनों के मार्ग में बाधा बनती हैं। दोस्तों ये रास्ता बहुत ही सुनसान है। अगर आपको यहाँ कोई इमरजेंसी हो गई तो मदद मिलने में आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं। जेम्स डाल्टन हाईवे पर लगभग 300 दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष देखने को मिलती हैं। पैसेज ड्यू गोइस, फ्रांस। दोस्तों फ्रांस की ये सड़क समंदर के बीच पर बनी है और तकरीबन 4.5 किलोमीटर लंबी है और ये दिन में 2 बार सिर्फ 2 घंटे के लिए ही नजर आती है। बाकी समय ये सड़क टाइड यानी ज्वार के चलते पानी में डूबी रहती है। ये सड़क मेन लैंड को नोइन अटियार आइलैंड से जोड़ती है। कभी कभी सड़क नजर ना आने की वजह से इस रोड से गुजरने वाली गाड़ियां रोड से हटकर समंदर में उतर जाती हैं और कभी कभी पानी की तेज लहरें रोड पर चलने वाली गाड़ियों को समंदर में धकेल देती हैं, जिसकी वजह से इस सड़क पर हर साल कई लोग हादसे का शिकार होते रहते हैं। दोस्तों इनमें से कौन सी सड़क पर सफर करना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।